अरे सुन नहीं, ये कान खराब हो गए हैं तुम्हारे। हाँ जी पापा बोलो। आज खेत क्यों नहीं आया? पढ़ाई कर रहा हूँ। अरे पढ़ाई करके क्या करेगा, जा खेत में। नहीं पापा मुझे पढ़ाई करनी है। अरे नहीं खेत में जा, नहीं मुझे पढ़ाई करनी है। खेत में जा चुन, पढ़ाई करेगा, मैजिस्ट्रेट बनेगा। नहीं हमने सोचा हमारा भैंस आ गया। ऐसे कैसे भैंस आ गया? अरे तुम्हारी शक्ल ही भैंस की तरह है। अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम राजू है। ये खाता है तुम्हारा, हम नहीं देंगे। अरे दे दीजिए, अरे दे दीजिए। क्या दस्तखत? दस्तखत अरे हम क्या खाते, पढ़ दीजिए, खुद पढ़ लीजिए। अरे हमने नहीं की पढ़ाई लिखाई, अपने बच्चों से पढ़ा लीजिए। हमारा बच्चा स्कूल नहीं जाता, वो खेत में काम करता है। उसको स्कूल भेजो। नहीं वो स्कूल नहीं जाएगा, वो खेत में ही काम करेगा। काहे अपने बेटे से गैर कानूनी काम करवा रहे हो? अरे आप खत पढ़ लीजिए। टाइम नहीं है हमारे पास, पढ़ लीजिए। अरे यार हमको पढ़ना लिखना तो आता नहीं, हम खत कहाँ से पढ़ें। अरे ये तो राजू है, कहीं मुझे देख लिए तो ये मेरा दिमाग खा जाएगा। अरे ये तो बनिया है, इससे खत पढ़वाता हूँ। अरे बनिया हमारा खत पढ़ दो। पढ़ना है? अरे नहीं पढ़ना है, पढ़ना है। हाँ बढ़िया, तो शाम को आकर पढ़ दूंगा। अरे शाम को क्यों, सुबह क्यों नहीं? मुझे दिन में दिखाई नहीं देता। अरे ये कैसी बीमारी है, दिन में दिखाई नहीं देता? अभी कल ही डॉक्टर के पास। अरे सीधा सीधा बोल दो ना, तुमको पढ़ना नहीं आता? नहीं आता। अरे 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 गजरा रे गजरा रे तेरे काले गाले नैना। अरे सर सर हमरा खत पढ़ दियो। यानी है? अरे नहीं नहीं पढ़ना है। स्वादिष्ट है? अरे नहीं पढ़ना है, पढ़ना है। अरे पढ़ना है यार, नहीं आता। अरे पढ़ दो। अरे 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 इसको तो गांव में पहले कभी नहीं देखा, लगता है गांव में नया आया है। इसको जरूर पढ़ना आता होगा। अरे सर सर हमरा खत पढ़ दीजिए। अरे नहीं नहीं पढ़ना है। हाँ हाँ अच्छा अच्छा होते हैं। अरे ऐसे कैसे बताएं कि हमें पढ़ना है? अरे वहाँ बैठ के क्या कर रहे हो? अरे इसका सिग्नल ढूंढ रहे हैं। अरे इसमें भी सिग्नल होता है? होता है। अरे सीधा सीधा बोल दो ना, तुमको पढ़ना नहीं आता। दीजिए सीधा सीधा बोलते हैं, नहीं आता है। अरे हट हट हट। अरे अब इसको किससे पढ़वाऊं? डाकिया साहब डाकिया साहब, ये आपने सुबह से खत दिया था, ये हमसे पढ़ा नहीं गया। सुबह से क्या कर रहे थे? अरे तीन आदमी मिले, उनको भी पढ़ना नहीं आता है। मेरे प्रिय दामाद जी, तुम्हारे साथ ससुर। हटो हटो हटो। मेरे प्रिय दामाद जी, तुम्हारे साथ ससुर की तरफ से तुम्हारी धर्म पत्नी। अरे हटो, बार बार रोना शुरू हो जाते हैं। तुम्हारी धर्म पत्नी ने कल अस्पताल में दो जुड़ो बच्चों को जन्म दिया है। अरे लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस, रो रहे थे रो रहे थे। धन्यवाद डाकिया साहब आपका। तभी तो बोलते हैं अपने बच्चे को स्कूल भेजा करिए। हाँ आज से भेजेंगे। तो देखा आपने मेरे साथ क्या हुआ, अगर आपके साथ या आपके आस पड़ोस में भी ऐसा होता है तो उनको पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया। धन्यवाद।